जी तो औरत को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब सारे बर्तन धुल जाए और साथ कोई आके बर्तन रख दे और बोल रहे हैं भी धो दो। और अभी मेरे साथ भी ऐसे ही हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी तो शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने, आप सोच रहे होंगे कि आज ये किचन में क्या कर रही हैं, तो मैंने कहा कि आज आपके साथ कुछ किचन की सफाई के हवाले से कुछ टिप्स शेयर किए जाएं। तो जैसे कि हमारे यहाँ अमूमन ऐसे ही होता है कि ईद आने वाली हो या कोई मेहमान आ रहा हो तो तब ज्यादा सही तरीके से एक एक चीज को उतार के किचन की सफाई की जाती है, लेकिन हम लोग अमूमन जो है वैसे 2-3 हफ्तों के बाद हम लोग सफाई कर लेते हैं। इसी तरह जो लड़की की जब शादी होती है तो उसके तौर तरीके का अंदाजा भी ऐसे ही लगाया जाता है कि उसको कितना तरीका स्लीक है, ये देखने के लिए उसको चेक किया जाता है कि वो किचन में काम किस तरीके से कर रही है। वैसे तो सारे घर की सफाई बहुत मैटर करती है, लेकिन किचन को भी साफ रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलें आज मैं आपके साथ किचन की सफाई की कुछ क्लिप्स और कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी तो अगर सबसे पहले अगर हम सिंक की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं कितने ज्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल अभी भी खाना बनाया हम लोगों ने, तो वो फिर बंदा सिंक में रखता रहता है बर्तन के बाद में धुल जाएंगे। तो ये मैंने मैलून तैयार कर ली है लेमन मैक्स साबुन और पानी का, तो मैंने कहा इसके तरीके मदद से अच्छी अच्छी जो है ना बर्तनों की सफाई करूं से और आपके साथ भी शेयर करूं। अच्छा, हमारे सिंक की सबसे अच्छी बात ये हमारे घर में सिंक में कभी भी बर्तन इकट्ठा नहीं हुआ। अम्मी को मुझे उलझन ही हुई रहती है और हम लोग बस साथ साथ ना धोते रहते हैं, तो सिंक और किचन मेरा ना हमेशा शुक्र अल्लाह का साफ रहा है बिल्कुल। इसका कलर बहुत अच्छा है, वैसे जारी बात है इसमें यूज कर करके थोड़ा सा ना इसका कलर डल हो जाता है प्लेट्स का। तो कल ही सुबह मैंने ब्लीच से धोई है और बहुत अच्छा, अभी मतलब इतनी अच्छी चमक रही है, मुझे देख के खुशी हो रही है। जब काम दिल से किया जाए तो ऐसे ही लगता है। मेरा दिल ही नहीं कर रहा बोलने का, बस मैं चुप हूँ, बस मैंने नहीं बोलना, मैंने नहीं बोलना, बस मैंने सामने भी नहीं आना, बोलना भी नहीं है बिल्कुल। क्यों, ये क्या रीजन हुई कि आप सामने नहीं आना? बस अब आना ही नहीं है, फिर भी बताएं तो सही। बस ये कमेंट्स में मोटा मोटा और पता नहीं क्या क्या लगे हुए थे, मैंने आना ही नहीं आया। ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को, बहुत लोगों ने ऐसे बोला। तो फिर आपने जिम स्टार्ट किया कोई? हाँ मैं जिम गया हूँ ना कल। अच्छा अच्छा, कल सुबह जिम गए हुए थे? हाँ मैं गया हूँ। अच्छा तो आज तो सुबह कोई नहीं गया? आज जाग ही नहीं। वो बस एक दिन की जिम थी आपकी? बस आज जाग ही नहीं आई, फिर मैं उठा ही नहीं हूँ। मैंने कहा क्या करना है, कल मैं जाऊंगा। बस आप नहीं स्मार्ट हो सकते, कल जाऊंगा, एक छुट्टी करेंगे ना तो कल जाऊंगा, कल जाऊंगा। चले ठीक है। जी तो ये लिक्विड है, ये हमने किचन की सफाई के लिए बाय की है और अब इसको मैंने पानी में मिक्स कर दिया और इससे मैं जो है सारा किचन चमका दूंगी। देखिये आप, तो मैंने इसमें पानी में मिक्स कर दिया और मैं अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। इसकी झाग अच्छी बन गई है और अब इससे मैं इंशाल्लाह सारा किचन ना सही तरीके से धो दूंगी। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सिंक मैंने साफ की है तो सबसे पहले मैं उसको साफ करूं, इसको कोने कोने से सही तरीके से रगड़ रगड़ के साफ करना है। ये उसके येलो स्पॉट्स हैं वो भी खत्म हो जाए बिल्कुल। ऐसे ही ना पूरे सिंक को हम साफ कर लेते हैं कॉर्नर से और बहुत अच्छी सफाई हो जाती है इससे। अभी तो वो स्कॉच ब्राइट होता है उससे होती है, वो भी है नहीं मेरे पास,
तो मैंने कहा किस से कर लेती हूँ एंड तक से ही अंदर में। जी तो अब ऐसे ही जो है ना मैं जो उसकी टैप है उसको उसके साफ करती हूँ। जी तो बहुत जबरदस्त साफ हो गया इससे और अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। चलो जी तो मैंने पानी ले लिया और अब इससे मैं जो है सारा सिंक साफ कर दूंगी। बहुत अच्छा साफ हो गया। कॉर्नर से भी ना बिल्कुल सही तरीके से साफ करना, स्कॉच ब्रेड होता तो उससे बहुत ही अच्छा हो जाता था। बिल्कुल चलो जबरदस्त हो गया। और अब जो मैंने टैप के ऊपर लगाया था मैं उसको साफ करती हूँ। थोड़ा सा पानी लेना है बिल्कुल, उससे साफ करती हूँ, सफाई हो जाए बस। चले जी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्लीन हो गया। जी तो हमने बिल्कुल अभी भी सालन बनाया है तो चूल्हे के आप हालात देख सकते हैं किस कदर यहाँ रोटी बनी है और यहाँ पे सालन, तो वो जाहिर बात है गिर जाता है सब तो पता नहीं चलता। तो अब मैं अच्छे तरीके से जो है ना चूल्हे को साफ करूंगी और वही महलूल जो मैंने बनाया था बहुत ही शॉर्ट सिंपल सा और इजिली अवेलेबल है। ये नहीं कि आपको बहुत चीजें इकट्ठी करनी है और उसके बाद ही आपको साफ करना है तो होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको कॉर्नर से भी इधर से सही तरीके से जैसे साफ करने का हक होता है ना वो पूरा करना है। और मेरे कपड़े भी अंदर आ रहे हैं अभी जी। तो ये यहाँ पे सालन लगा हुआ है और ये उतर नहीं रहा था तो इसको उतारने के लिए जाली थी बेस्ट है। वैसे जो है चूल्हे की सफाई भी इसके इससे बहुत अच्छी हो रही है। वैसे एक बार वैसे थोड़ा गीला कर लेना चूल्हे को। दूसरी साइड है उसको भी हम ऐसे साफ करते हैं। पहले लाइट से मैलून लगा के थोड़ा गीला कर लेते हैं ना और फिर उसके बाद ये जाली से हम साफ कर लेते हैं बस। स्टील के चूल्हे की बात होती है कि इसको ना जंग नहीं लगता, हालांकि साथ हमारा ऐसे पानी का सिस्टम है। साथ ही इधर से शेल्फ भी बहुत गंदी है, पहले मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ ताकि जो है ना साफ सफाई करने में आसानी रहे। तो जाली से मैं साफ करूंगी इसको भी सही अच्छे से। अभी भी रोटियां बनाई है तो चूल्हा बहुत गर्म हुआ। वाह बहुत अच्छी सफाई हो रही है। चले तो अभी हो गया है जी। तो मैं स्टार्ट पे लिक्विड पे लगाती हूँ, उसके बाद जो है ना जाली से थोड़ा साफ कर लेती हूँ। आपसे इसके कॉर्नर्स हैं ये भी थोड़े गंदे हो रहे हैं तो मैं इसको भी अच्छे तरीके से साफ कर देती हूँ। भी तो धुलने के बाद पता चलेगा कि कैसे साफ हुए। इसी तरह दूसरे कॉर्नर से भी। चले अभी हो गया और अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ और साथ ही मैंने शेल्फ भी जो की थी साफ उसको मैं वॉश कर लेती हूँ पानी से। जी तो मैं चूल्हा साफ कर लेती हूँ और इधर से भी जो साफ किया था इसके कॉर्नर से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई हो चुकी है इधर से और बहुत ही अच्छा अब नीट एंड क्लीन हो गया। अभी स्टार्ट से और शेल्फ भी मैं साफ करती हूँ। चले जी ये देखिए आप
तो आप इसको कुछ टुकड़े की आप देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन और ऐसे जैसे बिल्कुल बाजार से नया चूल्हा खरीदा गया है, लग रहा बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलें ये हो गया और इसी तरीके से जो है शेल्फ को भी मैं ड्राई कर लेती हूँ। ये भी हमारी शेल्फ हो गई साफ। चले जी, तो अब अगर हम ओवन की बात करें तो ओवन जो है हमारे किचन का बहुत ही मेन कंपोनेंट होता है और ये बहुत ही जरूरी होता है जब कभी खाना ठंडा हो और जल्दी जल्दी गर्म करना हो, स्पेशली जब आपके घर किसी को बहुत ही भूख लग रही है और जल्दी जल्दी आपको करना है गर्म, तो बहुत ही काम आता है। और तो काम आने के साथ साथ जरूरी है कि इसकी सफाई का भी ध्यान रखा जाए। अब वो लिक्विड जो है वो मैं इसके मिरर जो यहाँ पे है उस पे लगाऊंगी और बहुत ही अच्छे से ये भी साफ हो जाएगा, आप देखेंगे जी। तो अब मैं इसको साइड से भी साफ करूंगी और ये पेंट का निशान बन गया जो कि नहीं साफ हो सकता, तो बहुत ही अच्छे से नहीं साफ हो रहा है। तो अब हम इसको और साइड से भी मैं इसको साफ कर लूंगी। यहाँ जी इस पे स्पॉट है जो कि पक्के हैं और साफ नहीं हो सकते, लेकिन चले अब हमारा ओवन जो है बिल्कुल सही वाला साफ हो गया। तो चलें आप अगर हम ऐसी बात करें जैसे कि कार खराब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है, इसी तरह अगर किचन के काम और प्याज आपने कट करने और आप थक गए हैं तो चॉपर जो है वो मेन चीज होती है आपके लिए, तो इसकी मशीनरी जो है मैं आपको तो साफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसको बहुत ही निचोड़ के करना ताकि इसकी मशीन में कोई चीज ना चले जाए और जो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं जस्ट उस पर। जी तो ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो कि इजीली जो है साफ हो सकते हैं, तो बस मैं वो साफ कर रही हूँ लाइट लाइट से। साथ ही मैं इसको खुश कर रही हूँ, ये साफ हो गया ताकि इसकी मशीनरी में कोई चीज ना चली जाए या पानी। और फिर आपको पता है ये चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं जो मैकेनिकल टूल्स हों और काम बहुत खराब हो जाता है, फिर ये वर्क करना छोड़ देती हैं। तो अभी यहां से मैं क्लीन करती हूँ इसको, ऐसे ये नीचे जो प्लेट वाली साइड पे है इसको भी क्लीन करना है। तो अच्छे से साफ हो रहा है सही तरीके से। ऐसे ही आप भी जो है अपने अगर आपको नहीं पता कैसे करना साफ, बहुत ईजी तरीका है, बहुत रीजनेबल, बस एक लिक्विड बार होना चाहिए आपके पास, उसके बाद आप भूल जाएं, उसके बाद बस आपके हाथ जो हैं वो काम करेंगे। जी तो अब मैं इसको खुश कर लूंगी। हर तरफ से जिधर जिधर से मैंने लगाया जी, तो ये अब हो गया है शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह जी। तो ये मैंने सुबह ही वॉश कर लिया था तो मैं अभी इसको वॉश नहीं कर रही, तो अब हमारा रेडी है बिल्कुल। चलो से मैं सेम टाइल्स भी ऐसे ही साफ कर लूंगी क्योंकि ये भी जो है किचन में जारी बात है काम होता है और चिकनाई जो है इस पे आके लग जाती है, तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूंगी और इसी की मदद से मैंने अपने किचन की सारी टाइल साफ करनी है। तो इसको अच्छी तरह करके ऊपर से साफ कपड़ा लगा देना, तो देखिए आपके आपकी टाइल सारी चमक जाएगी। इतना मैं जो है शेल्फ को भी ऐसी साफ कर लूंगी। इधर हम लोग बनाते हैं रोटी तो ये जरा हार्ड हुआ है वो, चले जी बहुत अच्छा साफ हो रहा है इससे, इसकी कॉर्नर से भी सही तरीके से करके ना, मैलून बिल्कुल खत्म होने वाला मेरा। ऐसे करके मैं जो है अपने सारे किचन की जो शेल्फ है वो अच्छे तरीके से साफ कर लूंगी और मैंने आज इस पे एक स्पॉट भी नहीं रहने देना, बस मैंने ठान लिया ये बात। जी तो अब शेल्फ बिल्कुल साफ हो गई है, पानी की मदद से मैंने धो लिया है अच्छे तरीके से क्योंकि रोटी बनानी होती है हमने इधर, तो ये हमारा जो पॉट सबसे ज्यादा साफ रहता है।
जी तो आप देख सकते हैं कि किचन की सफाई हो गई है और बहुत ही इजी और बहुत ही रीजनेबल सा तरीका है। सिर्फ एक छोटी सी चीज आपके पास हो, लिक्विड बार होना चाहिए आपके पास, तो आप उसमें को पानी में मिक्स करके आप अपनी टाइल्स पे, आप अपनी जो शेल्फ है वहां पे आप सही तरीके से इसको साफ कर सकते हैं। तो अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, किचन में खड़े होकर जाहिर बात है गर्मी बहुत लगती है। तो अभी मैंने आपके साथ अभी कैबिन की जो है सेटिंग और वहां उसकी सफाई नहीं शेयर की, तो इंशाल्लाह मैं कुछ टाइम के बाद जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो आपको मेरी आज की वीडियो सारी कैसी लगी है आपने मुझे लाजमी बताना है। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।